बर्ड बॉक्स बार्सिलोना ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूँ और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस फिल्म में देखेंगे कि हमारी दुनिया जो लगभग तबाह हो चुकी है और इंसान तेजी से मर रहे हैं क्योंकि एक मिस्टीरियस आइडेंटिटी जो नजर नहीं आती है वो इंसानों को उनकी जान खुद से लेने पर मजबूर कर रही है। और ऐसे में सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ बार्सिलोना में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सेबेस्टियन और उसकी बेटी सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं, और ये मिस्टीरियस आइडेंटिटी क्या है और यह कैसे लोगों को मार रही है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये फिल्म एक अच्छी टाइम पास फिल्म है। इस फिल्म में हमें बार्सिलोना में रहने वाले लोगों की कहानी को दिखाया गया है। इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है सेबेस्टियन का, उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो मुझे पसंद आया है। वो जो कुछ कर रहा होता है वो क्यों कर रहा होता है वो सब जब आप जान जाएंगे तो फिर आप उसके कैरेक्टर के लिए थोड़ा सैड जरूर फील करेंगे। बाकी इस फिल्म में आपको कुछ अच्छे इंटेंसिटी फील, सस्पेंस से भरे मोमेंट भी देखने को मिल जाएंगे और जो मिस्ट्री है मिस्टीरियस आइडेंटिटी से जुड़ी वो भी आपको इस फिल्म से डिसेंटली एंगेज करके रखेगी। आप चाहेंगे उस मिस्टीरियस आइडेंटिटी के बारे में और जानना, और कुछ चीजें तो ये फिल्म आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर जाएगी लेकिन कुछ सवाल आपके माइंड में और छोड़ जाएगी जिनके जवाब के लिए हमें फ्यूचर में रिलीज होने वाली एक और सीक्वल का वेट करना पड़ेगा। इस फिल्म की एंडिंग को देखकर ऐसा लगता है कि इस फिल्म का एक और सीक्वल आएगा। बाकी जो इस फिल्म की पोस्ट एपोकलिप्स है वो इस फिल्म की वो अच्छी है। फिल्म में एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, फिल्म का म्यूजिक है वो डिसेंट है। अब बात करें इस फिल्म के वीक पॉइंट्स की, तो अगर आप लोगों ने 2018 में रिलीज हुई बर्ड बॉक्स देख रखी होगी तो फिर जो इस फिल्म की कहानी है वो आपको थोड़ी और ज्यादा प्रिडिक्टेबल लगेगी और आपको कुछ वही 2018 वाली फिल्म की सीन इस फिल्म में भी रिपीट होती हुई नजर आएंगी। और चाहे आपने 2018 वाली फिल्म देखी हो या ना देखी हो, फिर भी आप इस फिल्म की कहानी के कुछ सीन को आप इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे। और जो कैरेक्टर वर्क है इस फिल्म का वो भी बहुत वीक है। सिर्फ सेबेस्टियन के कैरेक्टर के लिए आप इसमें थोड़ा बहुत सैड फील कर लेंगे। उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, उनसे हमें बस इस फिल्म में इंट्रोड्यूस ही करवाया गया है। किसी भी कैरेक्टर के साथ इस फिल्म में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा होगा, उसका कोई इमोशनल इम्पैक्ट आप पर नहीं होगा, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये फिल्म आपके माइंड में कुछ सवाल छोड़ जाएगी जिनके जवाब के लिए हमें नेक्स्ट सीक्वल का वेट करना पड़ेगा। फिर इस तरह के कुछ इश्यू होने के बावजूद भी मेरी नज़र में यह एक अच्छी टाइम पास फिल्म है जो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा हाई ना रखते हुए एक बार जरूर देख सकते हैं। इसीलिए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7/10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर देखना पसंद आता है तो आप अपने टाइम पास के लिए इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। और हाँ, आप इस फिल्म को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरे वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हैव ए ग्रेट डे, बाय।